अब लोग मुझे कहते हैं यार प्लांटेड करते हो कुछ ये वो, मैं कहता हूँ नहीं यार, जाते हैं नेचुरल कुछ ना कुछ करते हैं और वो वायरल हो जाता है। लेकिन ना आज भी मुझे वो याद आती है कि यार वो जो थी ना लड़की, उसका शेर बड़ा अच्छा होता था, मैं रोज जब पढ़ता था। शेर की वजह से यार याद है। हाँ, शेर की वजह से, मुझे शक्ल तो पता ही नहीं उनकी शक्ल क्या थी उस पे। आपको पता है एक वायरल गर्ल है, उसका नाम निम्राली है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, वहां मैं ना ज्यादा बातें नहीं करती। अच्छा तो जो आपके क्लिप वायरल होते हैं वो कैसे होते हैं? अक्सर क्योंकि आपके क्लिप वायरल हुए होते हैं वो ऐसे ऐसे नहीं, वो ऐसे होते हैं। अच्छा बोल कहते हैं वायरल ऐसे ऐसे, कौन सा वायरल होता है? वो ऐसे होते हैं कि जब भी कोई एक्टिविटी चल रही है, जिस तरह से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, जैसे मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च था पिछले साल, तो बड़ी पूरे पाकिस्तान में बड़ी हाइप बनी हुई थी कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, धरना देंगे, बैठ जाएंगे वो। तो उससे पहले वो लाहौर से गुजरे, तो यहाँ पर ना बार बार ना टीवी चैनल्स पे कुछ चल रही थी चीज़ें कि मदरसे के बच्चे ज़बरदस्ती लाए जा रहे हैं इस जलसे वगैरह में यहाँ पे ना। तो वहाँ पर ना मैं एक लाइव सेशन करने गया और मैं बात कर रहा हूँ तो बार बार ना एक लड़का है जिसके लंबे बाल हैं, सर पे उसने कैप रखी हुई है, बार बार मेरे इधर आता है, मेरे कान में मतलब कैमरे के सामने नहीं मार, कहता है मेरे से बात क्यों नहीं करते, बलोचिस्तान का था, मेरे से बात क्यों नहीं करता, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं? मैंने एक मरतबा इग्नोर किया, दूसरी मरतबा इग्नोर किया, तो तीसरी मरतबा मैंने माइक उसके सामने रख दिया, मैंने कहा बलोचिस्तान से आएंगे था, हाँ, मैंने कहा कुरान पाक के तलवे, उन्होंने कहता हाँ, मैंने कहा ये कहा जा रहा है कि मदारिस के बच्चे ज़बरदस्ती लाए जा रहे हैं यहाँ पे, ये बात दुरुस्त है? कहता जी हाँ जी हाँ। वो उसने इतनी बात की, वो वहाँ से क्लिप किसी ने मुझे ना, मुझे वहाँ पर बड़ी हंसी आई, मैंने इस तरह कंट्रोल की, तो मैं आ गया और मुझे किसी ने वो क्लिप भेजा छोटा सा 15 से 20 सेकंड का, मैंने अपने फेसबुक पर लगा दिया। वो मैं सो के उठा हूँ 4-5 घंटे बाद, तो वो जनाब वहाँ से 30-40 हज़ार लोगों ने शेयर किया हुआ है, टीवी चैनल ने उठा लिया उसे और उसे बयान किया। इसी तरह पीपल्स पार्टी का जलसा था, वहाँ पर इस तरह जियालियाँ बैठी थी, जियालियाँ का मतलब जानते हो, पीपल्स पार्टी की जो कारकुन थी वो बैठी थी। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि बिलावल भुट्टो के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो अच्छा है ये है, मैंने कहा आसिफ जरदारी के बारे में क्या ख्याल है, मैंने कहा वो उसने क्या करना है, वो तो लूट के खा गया है ये। इतनी बात की तो साथ वाली ने उसे कोनी मारी कि क्या कह रही हो, तो साथी कहते ओहो आसिफ जरदारी, मैंने कहा उसी ने तो करना है, उसी ने तो करना है ये वो बात की। अब लोग मुझे कहते हैं यार प्लांटेड करते हो कुछ ये वो, मैं कहता हूँ नहीं यार, जाते हैं नेचुरल कुछ ना कुछ करते हैं और वो वायरल हो जाता है। इसमें कोई नेचुरल चीजें अक्सर वायरल हो जाती हैं, फिर आप कुछ फेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उतना कामयाब नहीं होता जितना नेचुरली होता है। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आप फेमस हैं, ऑफ कोर्स फेमस हैं, तो फैन फॉलोइंग भी होगी ठीक है, तो उनमें से जो कोई फीमेल फैन जो आप को बहुत ज्यादा याद हो, सबको भूल कर बस आपको वो अकेला याद हो कि हाँ इसने ऐसा किया था, तो वो अभी तक आपको याद है। क्या बात है, क्या बात है। वो एक थी लड़की, वो ना मुझे उसने फेसबुक पे या गालिबन के नंबर लेके व्हाट्सएप पे ना, तो वो कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ वो शेयर भेजती थी रोज एक शेयर। अच्छा अच्छा, तो बथेरे मुझे भी भेजते हैं। आपको तो लड़के भेजते हैं ना? हाँ। मुझे लड़की भेज रही थी, तो लड़के को लड़की नहीं भेजना है? हाँ। अब लड़के को लड़का भेजेगा तो अच्छा लगेगा। मुझे लड़के ने भेज देते होते हैं, भेज देते हैं, भेज देते। अच्छा तो वो सिर्फ एक शेर भेजती थी, कभी नहीं उसने बताया मैं कौन हूँ, क्या है क्या नहीं। तो मैंने एक मरतबा मैंने कहा यार, मैंने एक दो मरतबा तो देखा इग्नोर किया, ये कुछ भी नहीं पूछा यार, ये जो भी है इसका शायरी का ज़ौक बहुत अच्छा है यार। मैंने उसे पूछा कौन, उसने फिर अपना बताया, नाम नहीं बताया उसने, बताया मैं फ़ीमेल हूँ फलां जगह से, पंजाब की किसी इलाके से थी वो। मैंने कहा आपका बड़ा अच्छा, मेरी थोड़ी सी बात हुई। तो उनसे बात करने के बाद मुझे बाद में फिर अब पता नहीं कहाँ पे हैं क्या है वो, लेकिन ना आज भी मुझे वो याद आती है कि यार वो जो थी ना लड़की, उसका शेर बड़ा अच्छा होता था, मैं रोज़ जब पढ़ता था। शेर की वजह से यार, शेर की वजह से, मुझे शक्ल तो पता ही नहीं उनकी शक्ल क्या थी उस पे। अच्छा ये नहीं होता कभी आप किसी से बात करें तो पहले आप मुझसे दोस्ती करेंगे, पहले आप मुझे अपनी तस्वीर सेंड करें, आपने ऐसे कहा जरा मुझे मैं अपनी तस्वीर सेंड करूं, मैं देखूंगा तो फिर नहीं, वो पहले ही मुझे तस्वीर भेज देते हैं तो मुझे वो कहने की जरूरत पेश नहीं आती। अरे क्या बात है आपकी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में बहुत से वाकये हुए होंगे, कोई ऐसा वाकया जो जैसे एक वो शायरी वाली लड़की नहीं भूली, कोई वाकया ऐसा
जो आपको बहुत मेमोरेबल हो, ये वाक्य मैं कभी भूल नहीं सकती। अच्छा, एक बड़ा मजे का वाक्य हुआ मेरे साथ। मैं एक ऑफिस है लाहौर में, एक प्लाजा है वहाँ पे, एक ऑफिस है मेरे दोस्त का, दो तीन फ्लोर्स पे मेरे दोस्त ही हैं उनके ऑफिस में, तो मैं उधर अक्सर जाता हूँ वहाँ पे गाड़ी पार करता हूँ नीचे और ऊपर जाता हूँ। तो एक दिन पार्किंग वाला मेरे पास आया, आगे कहता मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे? मैं नहीं, पूछो। कहता भाई वो ना एक ना लड़का है, वो बड़े इंटरव्यूज करता है, और मजे की बात यह है उसके बाल भी आप जैसे हैं, उसकी आवाज भी आप जैसी है। मैंने कहा अच्छा क्या नाम है? कहता फारूक वड़ाइच करके, वड़ाइच वड़ाइच है, और मुख्तलिफ कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, अदालतों के बाहर खड़े होकर, असम्बली के बाहर खड़े होकर मुख्तलिफ सवाल पूछता है। भाई आपको मैं दिखाऊंगा, आपकी शक्ल बड़ी मिलती है उसे। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा मुझे और ज़्यादा मज़ा आया कि यार इसने बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी क्यूट सी बात की है इसने। तो मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा मैं भी वड़ाइच हूँ। कहता अच्छा आप भी वड़ाइच हैं? मैंने उसको ज़रा समझाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कहा मैं भी वीडियो करता हूँ। कहता अच्छा आप भी करते हैं? लेकिन भाई जो वो करता है ना, और मैंने उसे कहा यार, थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा यार वो मैं ही करता हूँ, मेरा नाम फारूक वड़ाइच है यार। कहता अच्छा तो आप तो इधर ऊपर ऑफिस में नहीं होते? मैं कहा नहीं नहीं मैं इधर वैसे आता हूँ दोस्तों के पास, मैं वही काम करता हूँ। तो वो एक ऐसा उसका कमेंट था मासूमियत भरा, कि मैं सारा दिन वही सोच रहा, अभी भी कई महीने गुजर गए इस बात को, तो मैं जब भी वो सोचता हूँ तो मुझे बड़ा हंसी आती है, बड़ा मजे का वाक्य। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे मेरे पास बेशुमार वाक्य हैं। मैं अब कॉलेज जाती हूँ ना, तो मुझे बथेरे ऐसे मिलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इधर आई, मैंने कहा जी बताएं। आपको पता है एक वायरल गर्ल है, उसका नाम निमरा अली है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वहाँ मैं ना ज्यादा बातें नहीं करती, कोई होता नहीं है, दोस्तों में आपस में बैठ के गप शप लड़ाओ, फ्रा फ्रा फ्रा। कुछ लोग तो ये देख के मुझे पहचान लेते हैं, ओए ये निमरा अली की तरह बोल रही है, देखे निमरा अली है भी, तो मेरी आवाज से लोग मुझे दूर से पहचान, लेकिन जिनके सामने मैं बोल नहीं रही पीछे से आई है। आपको पता है एक लड़की है वायरल गर्ल निमरा अली, मैंने कहा अच्छा वो बिल्कुल आपके जैसी है, बस ना वो तेज तेज बोलती, थोड़ा आपके आपका ना फेस चेंज है। मैंने कहा अच्छा फेस चेंज है? फिर ना मुझे बाद में कहती है आपका क्या नाम है? मैंने कहा निमरा अली। कहती है अच्छा निमरा अली, आप भी निमरा अली? फिर बाद में कहती है आप बिल्कुल उनके जैसे मिल रही हो। फिर आगे से मेरी दोस्त कहती है ये निमरा अली है, तो ना कहती है वाकई निमरा अली है? तो मेरी आगे से नहीं यकीन नहीं आया ना निमरा अली है, कहती मुझे चुटी काटे ना, मुझे चुटी काटे ना। फिर मैंने उसको चुटी काटी, फिर जाके उसको यकीन आया कि मैं निमरा अली। देखो जरा नहीं, आप आपको वो पहचान क्यों नहीं पता? आप मेकअप नहीं करती बाहर जाती? स्कूल कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज पढ़ने जाती हूँ कि मेकअप करने जाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो वैसे उन्होंने आपको मेकअप में देखा होगा ना, वो कैमरे के बाद तो उनको डर लगा, कोई एक भी पहचाना नहीं होगा, कोई एक भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि आप कैमरे में छोटी लगती है, यहाँ बड़ी लगती है। हर बंदा मुझे मिलकर यही कहता है कि निमरा आप कैमरे में तो इतनी बड़ी लगती है, रियल में तो आप नहीं, बड़ी कहते हैं कि बुरी, बड़ी बड़ी एज वाइज बड़ी लगती है, बूथा बड़ा लगता है, तो ऐसे वो मुझे कहती है। लेकिन अगर मुझे रियल में कोई देख ले तो कहते हैं यार ये तो बच्ची है, मासूम सी, छोटी सी। गलत कहते हैं ना? नहीं अच्छा। सही कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा आपको मेरे साथ बैठ के मेरे साथ गपशप करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और बड़ा मैंने एंजॉय किया, मैंने बहुत एंजॉय किया। सच्ची बात तो ये है कि चलें इंटरव्यू के बहाने आपसे मुलाकात भी होगी। फैन थे मेरे। ये था मेरा शो द निमरा अली शो बाय APNN डिजिटल, और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ ये थे मेरे गेस्ट फारूक वड़ाइच फ्रॉम उर्दू पॉइंट, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लिटरली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ये घुंघराले बाल आपके बड़े पसंद आए मुझे। मुझे बहुत पसंद आई ये और इनकी बातें, और ये थे इन्होंने अपनी सारी लाइफ स्टोरीज बताई, क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या नहीं किया, आगे क्या करना चाहते हैं ये तो बताया नहीं आपने। आगे शादी करूंगा, मीडिया में, इसी मीडिया फील्ड में ही रहना है। नहीं मीडिया फील्ड में ही रहना है, इसमें मेरा अच्छा चल रहा है, मेरा काम अच्छा चल रहा है, अच्छी तरह लगती है, इसी में रहूंगा। चलें ठीक है, मीडिया में ही रहना है, मीडिया में रहना है, मीडिया से स्टार्ट किया, मीडिया में है, मीडिया में ही रहेंगे। तो ये थे फारूक वड़ाइच फ्रॉम उर्दू पॉइंट, और उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। ऑफ कोर्स जहाँ मैं आ जाती हूँ ना, वहाँ लोगों को मजा आ ही जाता है, चाहे वो बोरिंग हो या कोई अच्छा हो, बस मजा तो आना ही होता है। बस मैं हूँ ही ऐसी यार, मैं क्या करूँ, अपनी क्या तारीफ करूँ मैं। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे पसंद किया, और आज आपकी ही वजह से मैं इस मुकाम पे बैठी हूँ, ठीक है ना। हर इंसान को जी मुकाम भी कह सकते हैं, चलो की हो गया ठीक है। तो हर इंसान को बड़ा बनाने में लोगों का हाथ होता है, और आज अगर मैं कुर्सी पे हूँ या इस मुकाम पे हूँ तो आपकी वजह से थैंक यू सो मच। और APNN डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ और मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में क्या पहनूँ। तो आपको मैं कहूँगी अल्लाह हाफिज़, ऐसे ही किसी और इंटरव्यू के साथ, किसी और गेस्ट के साथ फिर आपकी मेज़बान हाजिर होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कहें।
अल्लाह हाफिज़। किसको, इनको कहना, इनको कहना, इनको कहना।